नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले UPSC के रिजल्ट जारी हुए हैं, जिसमें टॉप 25 स्टूडेंट में हिंदी माध्यम के दो स्टूडेंट हैं। एक दोस्तों रवि कुमार सिहाग जी, जिनकी 18 रैंक है, यानी कि वो हिंदी माध्यम के टॉपर हैं। दूसरे हैं दोस्तों धनवंता जी हैं, जिनकी 22 भी रैंक है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी निशान जैन जी का एक लेख आया है, उसमें दोस्तों उन्होंने कारण बताए हैं कि हिंदी माध्यम के सिलेक्शन जो है कम क्यों होते हैं। तो यदि आप भी हिंदी माध्यम से हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, उन्होंने कहा है कि देखिए, डेटा के अनुसार 1000 स्टूडेंट में से मात्र 50 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना मीडियम हिंदी चुनते हैं। उसमें भी दोस्तों 10 से 15 ही रह जाते हैं जब वो मेंस लिखते हैं उसमें। वहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हिंदी माध्यम का की हालत की सबसे बड़ी वजह एक और है, वो है जो मौलिक हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कि फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि जो पूछे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनकी हिंदी की भाषा इतनी जो है क्लिष्ट होती है, इतना अनुवाद इतना अजीब होता है कि स्टूडेंट जो है परेशान हो जाते हैं, और उनको लगता है कि इससे अच्छा तो वो अंग्रेजी में ही थोड़ी मेहनत कर लेते। और वहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो पहले के वर्षों के प्रश्न पत्र देखकर ही अपना मीडियम चेंज कर लेते हैं। और वहीं फ्रेंड, जो बचे हुए स्टूडेंट रहते हैं वो अपना रिजल्ट पिछड़ने के बाद, यानी कि एक बार हिंदी मीडियम से एग्जाम दिए और उसके बाद में दोस्तों वो फिर अपना मीडियम चेंज कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार की जो टॉपर है सृष्टि शर्मा जी, उनका पहले हिंदी मीडियम था और बाद में जो है उन्होंने इंग्लिश मीडियम में चेंज किया, यानी कि पहले उन्होंने हिंदी माध्यम से भी पेपर दिया था। तो वही फ्रेंड्स, एक और बात है कि हिंदी माध्यम में परीक्षार्थी जो है कम हो रहे हैं, और परिणाम ये निकल रहा है कि जो अध्ययन सामग्री भी बन रही है वो भी बनाने वाले भी अंग्रेजी माध्यम पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, सी सेट ने हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। 2011 में जब सी सेट आया तो स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट थे उनको भारी ज़्यादा नुकसान हुआ, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट की तुलना में तेज़ी से जो है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की संख्या कम हुई। वहीं फ्रेंड, 2015 में ये पेपर जो है क्वालिफाई हुआ, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो जो है हिंदी मीडियम का हो चुका था। फ्रेंड्स, डेटा है 2000, देखिए और कुछ डेटा मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी माध्यम से जुड़ा। 2013 में सिलेबस बदला तो हिंदी से 25 चुने गए, एक ही IAS मिला था। 2013 में UPSC का सिलेबस बदला था, इसमें हिंदी माध्यम से 25 स्टूडेंट चुने गए। 2014 में भी 5% ही हिंदी मीडियम वाले थे। निशान जैन जी की 13वीं रैंक थी, जिनका ये लेख है, उनकी 13वीं रैंक थी 2014 में। 2015 में शीर्ष 100 स्टूडेंट में मात्र 2 ही थे हिंदी मीडियम वाले 2015 में। 2016 में दोस्तों 50 के अंदर हिंदी माध्यम से 3 ही स्टूडेंट जो है सफल हुए थे। वहीं 2017 में हिंदी माध्यम वाले 50 भी नहीं चुने गए, सर्वश्रेष्ठ रैंक जो है 140 भी लगी थी। वहीं 2018 में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 317 थी, और दूसरी रैंक 337, और दूसरी रैंक जो है 339 थी। और भी कुछ कारण है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और कारण। देश में दोस्तों 43.6% आबादी की मातृभाषा देश के हिंदी है, यानी कि 52.8 करोड़ लोग हिंदी जो है उनकी मातृभाषा है। वहीं फ्रेंड, 13.9 करोड़ यानी कि 11% से अधिक हिंदी को अपनी जो है दूसरी भाषा मानते हैं, मतलब 55% आबादी की मातृभाषा या दूसरी भाषा हिंदी है। हिंदी का विकास दोस्तों 1971 से जो है 2011 के बीच में हुआ है। हिंदी भाषियों की संख्या जो है 1971 में 20.2 करोड़ से बढ़कर 52.8 करोड़ जो है हो गई, यानी 161% बढ़े। दूसरी तरफ परीक्षाओं और साक्षात्कार में अंग्रेजी के दबाव के कारण भाषा जानना बेहद ज़रूरी है। इसी कारण 2001 में यदि जनगणना में जहां अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या मात्र 2.6 लाख थी, वो दोस्तों 2011 में बढ़कर 8.3 करोड़ से इसे दूसरी भाषा के रूप में चिन्हित किया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रीज़न है जो निशान जैन जी ने अपने लेख में बताए हैं। आपने सभी दोस्तों देखे होंगे पॉइंट, इम्पोर्टेंट सुने होंगे। धन्यवाद।